ओम नमः शिवाय। शिवतंत्र ज्योतिष में आपका स्वागत है। वैद्य एवं ज्योतिष सम्राट स्वर्गीय दरबारी लाल शर्मा जी के पांचवी पीढ़ी के तंत्राचार्य शास्त्री लोकेश पागल आज आपके साथ यूट्यूब चैनल पर पहली बार साझा करते हैं, अपनी जानकारी शेयर कर रहे हैं आपके लिए, तो उठा लीजिए फायदा। कोई पता नहीं आगे आने वाले समय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, ये तो दुनिया है, कोई कुछ भी कहता है कोई कुछ भी कहता है, लेकिन आप बिलीव वहाँ करिए जहाँ स्वयं प्रैक्टिकल करिए। चलिए फिर छोड़िए बात, आगे की बात करते हैं। तो अपामार्ग का एक महा उपाय है, जहाँ भूत प्रेत बाधा रहती है, नेगेटिव एनर्जी रहती है, माइंड डिप्रेशन में रहता है, तो वहाँ आपको करना क्या है, पुष्य नक्षत्र में अपामार्ग के पौधों को जड़ समेत लेके आना है। जी हाँ, उससे एक दिन पहले वह निमंत्रण दे के आइए, किसी ब्राह्मण से जानकारी लीजिए पुष्य नक्षत्र कब कितने बजे कितने समय कितने टाइम है, और पता करने के बाद उससे पहले एक दिन पहले उसको निमंत्रण दीजिए कि हे अपामार्ग, मैं तुझे अपने कार्य सिद्धि के लिए अपने घर ले चलूँगा और चल के मेरा सारा कार्य पूर्ण कर अब लौट के आ जाइए। जिस दिन पुष्य नक्षत्र है उस दिन जाइए, उसको जड़ समेत अपामार्ग को ले आइए, डाली समेत ला करके अपने घर में किसी गमले में, कहीं कच्ची जगह हो वहाँ पर उसको पुष्य नक्षत्र में लाने के बाद उल्टा गाड़ दीजिए, यानी जड़ नीचे उसका तना ऊपर। ये तो हो गया सीधा, अब तना नीचे और जड़ ऊपर ऐसे उल्टा गाड़ना है, और उल्टा गाड़ने के बाद में 7 से 11 दिन उस पर कपूर और लौंग रखने के बाद जला दीजिए। 100% नेगेटिव एनर्जी भूत प्रेत बाधा से आपको छुटकारा मिलेगा। तो बनी रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल शिवतंत्र ज्योतिष में, आगे बहुत सारे उपाय लेकर के आ रहे हैं प्रैक्टिकल तरीके से, जिनका एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस सब कुछ हो चुका है, आपको भ्रमित नहीं किया जाएगा। और कोई भी भ्रमित करता है तो हमसे संपर्क जरूर करिए, क्योंकि किसी के यहाँ पुरातन से ये नहीं चला आ रहा है, सिर्फ एक लोकेश शास्त्री जिसके यहाँ 11 पीढ़ी से ये चला आ रहा है वैद्य और ज्योतिष, और पांचवी पीढ़ी के सम्राट का होता है। तो बने रहिए मेरे साथ और उठाइए जिंदगी का आनंद। ओम नमः शिवाय।